पेयर नंबर 137 है, क्वेश्चन नंबर 81 है। पेयर नंबर 137 क्वेश्चन नंबर 81 है। 1000 शेयर्स हैं, 100 रुपए के 5 रुपए प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। एप्लीकेशन पे 10 रुपए हैं, अलॉटमेंट पे 25 रुपए हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, 20 रुपए कैपिटल, 5 रुपए प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पे कितना है? 40 रुपए हैं। फर्स्ट कॉल पे 40 रुपए हैं, फाइनल कॉल पे 30 रुपए हैं। ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1800 शेयर्स की। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1800 शेयर्स की। एप्लीकेशन रिसीव हो रही है जो 1800 शेयर्स की, जिसमें 300 शेयर को रिजेक्ट कर दिया गया, 300 शेयर को जीरो शेयर दे दिए गए, 300 शेयर को जीरो शेयर दे दिए गए और बाकियों को प्रोवाटा दे दिया गया। बाकियों को ना प्रोवाटा अलॉटमेंट कर रहे हैं, तो 1800 में 300 गए, 1500 को कितने देंगे हम? 1000। जी हाँ, जो एप्लीकेशन आई है 1800 की, 300 शेयर्स को जीरो शेयर दे दिए जाएंगे और 1500 शेयर्स को 1000 शेयर दे दिए जाएंगे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर सुंदर होल्डर 100 शेयर्स हु फेल टू पे अलॉटमेंट। एक जो सुंदर है जिसके 100 शेयर्स हैं, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, दिस शेयर इज लेटर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिट हो गए एंड री इशू कर दिए शाम को एट 60 पर शेयर, 70 पेड अप। फाइनल कॉल इज नॉट येट मेड, वो जो फाइनल कॉल हुई नहीं है। हमें ना कैश बुक बनानी है। क्वेश्चन में क्या बनाना है? जर्नल एंट्री कैश बुक। अगर आपको याद हो 11th क्लास, कैश बुक जब होती थी, एक होता था बैलेंस मेथड, एक होता टोटल मेथड। बैलेंस मेथड में क्या होता था कि जर्नल एंट्री होती थी, लेजर होते थे, ट्रायल बैलेंस होते थे, और एक क्या होता था टोटल मेथड। अरे टोटल मेथड जो कैश बुक बनती थी ना, तो वो वाली एंट्री जनरल एंट्री में नहीं आती थी, जनरल प्रॉपर में वो एंट्री आती थी जो किसी बुक में नहीं आती थी। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या मांगी है? कैश बुक। क्या मांगी है? तो मुझे याद रखना, जब कैश बुक मांगी जाती है तो बैंक से रिलेटेड एंट्री कैश बुक में जाती है, और बाकी एंट्री जो बैंक से रिलेटेड नहीं होगी वो कैश बुक में आएगी। ठीक है जी, तो एक नया कंसेप्ट और सिखा रहा हूँ कैश बुक का। कौन सा सिखा रहा हूँ? पहले टेबल तो बनाई लो, वर्किंग नोट में टेबल तो बनेगा ही। अरे टेबल देखिएगा, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड एप्लीकेशन मनी, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड एप्लीकेशन मनी, शेयर कैपिटल, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड एप्लीकेशन मनी, शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, रिफंड, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट, रिफंड। 300 शेयर्स को जीरो शेयर्स दे रहे हैं, 1500 शेयर्स को 1000 शेयर्स दे रहे हैं, 300 शेयर्स को जीरो शेयर्स दे रहे हैं और 1500 शेयर्स को 1000 शेयर्स दे रहे हैं। एप्लीकेशन मनी कितने हैं जो? 10 रुपये, 300 × 10 3000, सीधा रिफंड। 1500 × 10 कितना होता है? 15000। 1000 × 10 कितना हो गया? 10000। अलॉटमेंट चला जाएगा 5000। 1000 × 25 होता है जो 25000, लिमिट के अंदर है। इधर आ जाएगा 18000, इधर आ जाएगा 10000, इधर आ जाएगा 5000, इधर आ जाएगा 3000। अब जो गंदा बंदा कौन है? सुंदर, जो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, एक गंदा बंदा है जो सुंदर। सुंदर का कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर अलॉटेड है। अप्लाइड कितना हो जाएगा? 150। 150 × 10 1500, 100 × 10 1000, अलॉटमेंट जाएगा 500।
ड्यू अलॉटमेंट इन 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट कितनी मांगी हमने, इन 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट कितनी मांगी हमने, 25 रुपये, 100 × 25, 2500, उसमें से रिसीव कितना हो गया, रिसीव हो गया 500, कितने रुपए नहीं मिल रहे हैं, 2000 रुपये नहीं मिल रहे, जो 2000 नहीं मिल रहे उसे बोलेंगे कॉल इन एरियर, क्या बोलेंगे, कॉल इन एरियर। ड्यू अलॉटमेंट 100 × 25, 2500 और उसमें रिसीव हो गया 500, कॉल इन एरिया में आ जाएगा 2000। क्यों, क्या हुआ, तो बता, अब ये कर लो, क्लास के बाद बात करते हैं सर। हाँ जो हो गया था, आगे चले, सर उनकी अगर नहीं अड़ रहे तो अपने लिए नहीं पड़ रहे, मेरे को क्या जा रहा है भाई, ये अगर वो फेल होंगे तो खुद फेल होंगे। हाँ अब देखो जी, एंट्री करते हैं जी, अब हम पहली एंट्री आएगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, पहली एंट्री आएगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, पहली एंट्री आएगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 18000 रुपये, दूसरी एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, पहली एंट्री आएगी जी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 18000, फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल 10000, टू शेयर अलॉटमेंट 5000, टू रिफंड 3000, पहली एंट्री आएगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 18000, दूसरी एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। हाँ सर, होल्डर का मतलब होता है अलॉटेड। अब चलो भाई अलॉटमेंट देखो जी, अब अलॉटमेंट ड्यू करो, अलॉटमेंट में कितना है, 25 रुपये है, 20 रुपये कैपिटल, 5 रुपये प्रीमियम, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 25 रुपये हैं, 100 शेयर 25 रुपये, 100 शेयर 25 रुपये, 2500, कितने शेयर हैं, 1000, 1000 शेयर 25 रुपये मांगे, 1000 शेयर 25 रुपये मांगे, 1000 शेयर 25 रुपये मांगे, 25000, इसमें ब्रेकअप क्या, 20 रुपये कैपिटल, 5 रुपये प्रीमियम, 20 रुपये कैपिटल, 5 रुपये प्रीमियम, हाँ जी। अब अलॉटमेंट में कितने पैसे मिल गए हैं, अलॉटमेंट में कितने पैसे मिल गए हैं, 25000 में से 5000 मिल गए हैं, 25000 में कितने मिल गए हैं, 5, कितने रह गए, 20, कितने रह गए, अब 20 मिलना चाहिए थे भाई, तो 7 से 8 वाले में क्यों नहीं आया, तेरे 8 बजे वो फंडामेंटल नहीं करना, पिछली बार भी तुमने नहीं किया, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, क्यों, तो इसमें 7 से 8 आता, 8 से 9 कर लेता, थोड़ा दिमाग लगाया कर, हाँ जी ना, तो ऑनलाइन करता है, 25 में से 5 का कितना रह गया, 20, कितना रह गया, 20 पैसे मिले थे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जो 25 में से 5 मिल चुके हैं रह गए 20, 25 में से 5 मिल चुके हैं रह गए कितने, 20, कॉल से आ रहे कितने बच्चों, बैंक में कितना जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट,
ठीक है जी, समझ आ गया, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, जो फर्स्ट कॉल ड्यू कर दो, क्या ड्यू कर दो, फर्स्ट कॉल ड्यू करो, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर, 1000 शेयर्स पे कितने रुपया, 40,000, अब जो फर्स्ट कॉल फिर से कौन नहीं दे रहा, फर्स्ट कॉल सुंदर नहीं दे रहा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल से डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल से डेबिट टू शेयर पर फिर से सुंदर नहीं दे रहा, 100 शेयर सुंदर नहीं दे रहे, सुंदर का 100 शेयर हैं, कितना जो सुंदर का फर्स्ट टाइम आए हो 40 रुपये की थी, 100 × 40 4000 या बैंक में आ जाएगा 36,000। अब सुंदर के शेयर क्या कर रहे हैं हम, फोर फीट, सुंदर के शेयर क्या कर रहे हैं हम, हाँ क्या, हाँ नहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सुंदर का, सुंदर का 100 शेयर है, वो अलॉटमेंट दे रहा फर्स्ट कॉल दे रहा और उनके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, हाँ वो क्या नहीं दे रहा, अलॉटमेंट दे रहा फर्स्ट कॉल दे रहा, उसके शेयर क्या कर रहे हैं फॉरफिट कर रहे हैं, हाँ जी एंट्री क्या आ जाएगी, शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा विद द कॉल द वैल्यू, शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा विद द कॉल द वैल्यू, 100 शेयर है कॉल द वैल्यू कितनी है, 100 शेयर है कॉल्ड आउट कितना हो गया, कॉल्ड आउट टुवर्ड्स कैपिटल, कॉल्ड आउट टुवर्ड्स कितना हो गया, जो 10 रुपये एप्लीकेशन, 20 रुपये अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल 40, कितना हो गया 40 और 20 60 70, सिक्योरिटी में डेबिट होगा क्या, होगा क्योंकि अलॉटमेंट नहीं मिली, क्योंकि अलॉटमेंट, लेकिन मैंने तो एक बार पिछली क्लास में बताया था, संडे को बताया था कि अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम हो तो हमें इसका चेक करना है कि इस अलॉटमेंट में कुछ प्रीमियम तो नहीं मिला हुआ, कल बताया था कि ये जो अगर आपका अलॉटमेंट में प्रीमियम है तो आपको चेक करना है ये जो अलॉटमेंट मनी मिली है इसके अंदर कुछ प्रीमियम तो नहीं है, कि सारा कैपिटल है या प्रीमियम है कुछ, ब्रेकअप करके देखना है, कैसे करूँगा, जो 20 रुपये कैपिटल है 5 रुपये प्रीमियम है, पहले कहाँ एडजस्ट होता है कैपिटल की तरफ, कहाँ एडजस्ट होता है, तो 100 × 20 कितना होता है 2000, तो यानी कि सारी सारी कैपिटल है, प्रीमियम कुछ भी नहीं मिला, प्रीमियम कुछ भी नहीं मिला, कल मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसके अंदर बताया था कि ये जो अलॉटमेंट होती है इसके अंदर देखना होता है कितना कैपिटल है कितना प्रीमियम है, तो बाय चांस हमने देखा 100 × 20 2000, यानी सारी कैपिटल ही है, अभी प्रीमियम कुछ भी नहीं मिला, प्रीमियम कुछ भी नहीं, सिक्योरिटी में सारा डेबिट हो जाएगा क्योंकि मिला नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा क्योंकि मिला नहीं है, 100 × 5 100 × कितना हो गया 500, कॉल से में क्या जाएगा जो नहीं मिला, क्या नहीं मिला, कॉल से में जाएगा जो नहीं मिला, एक तो ना 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 2000 अलॉटमेंट का नहीं मिला सर, ये देखो सर आप वही गलती कर रहे हो, अलॉटमेंट का कितना नहीं मिला और फर्स्ट कॉल पूरी नहीं मिली, और फर्स्ट कॉल पूरी नहीं मिली, क्या सर, हाँ तो उसको प्रीमियम मिल जाता है, उतना प्रीमियम मिल जाता, हाँ जी कल आपने अटेंड की थी ना क्लास, हाँ 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 फिर फोर फीचर शेयर में क्या जाएगा, जो मिल गया टुवर्ड्स कैपिटल, जो मिल गया टुवर्ड्स, फोर फीचर शेयर में जाएगा जो मिल गया टुवर्ड्स कैपिटल, क्या मिला 1500 रुपये मिले हैं, क्या मिला, तो एक बार दोबारा समझ लेना, शेयर कैपिटल डेबिट होता है बच्चों विद द कॉल्ड वैल्यू, विद कॉल्ड वैल्यू कितनी है बच्चों, एप्लीकेशन में 10, अलॉटमेंट में 20, फर्स्ट कॉल 40, फाइनल कॉल मांगी नहीं है, फाइनल कॉल कॉल्ड अप हो गया टुवर्ड्स कैपिटल 70, सिक्योरिटी उतना ही डेबिट होता है जितना मिला ना हो, जी हाँ पूरा हमने चेक कर लिया, कुछ भी प्रीमियम नहीं मिला तो डेबिट हो जाएगा, कॉल से हो जाएगा, अलॉटमेंट का कितना नहीं मिला 2000 और फर्स्ट कॉल का मिला नहीं मिला 4000, टोटल हो गया 6000, फोर फीचर शेयर में क्या जाएगा जो मिल गया, फोर फीचर शेयर में क्या जाएगा जो समझ आ गया बच्चों बात के नहीं आई, अब रीइशू कर दो जी, हाँ जी अब रीइशू कर दो, कितने रीइशू कर रहे हैं, सारे रीइशू कर रहे हैं,
सौ शेयर इशू कर रहे हैं फुली पेड अप, फुली 70 पेड अप है, 100 शेयर इशू कर रहे हैं, 70 पेड अप और 60 है, 70 पेड अप और 60 है, 10 रुपया क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। ठीक है जी, तो 100 शेयर इशू कर दिए, 70 पेड अप, 4 रुपये 60 है, और डिस्काउंट हो गया 1000 रुपये का। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, 1500 का, लेकिन डिस्काउंट कितना दिया 1000 का, 500 रुपये का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। सर इशू ये हो तो गया, इशू क्या होगा, सो रहा है क्या, सो रहा है तू, 100 शेयर इशू हो गया 70, तूने तो बताया 70 पेड अप, 4 रुपये 70 पेड अप और 60, 100 रुपये डिस्काउंट कैपिटल में। फर्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन लिखा, फर्स्ट एंड फाइनल हो ही नहीं रही है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हाँ समझ आ गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो ही नहीं रही है। हाँ शंखपुष्पी, शंखपुष्पी, तो जो ये है भैया कितने नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन। हाँ ऐसा क्वेश्चन 6 नंबर में आ सकता है। हाँ हाँ कैश बुक तो भूल ही गए। हाँ जी जो क्या इस क्वेश्चन में मांगा हुआ था कैश बुक, क्या मांगा हुआ था, तो कुछ गलतियाँ हो गई जी, क्या गलतियाँ होगी सुनो, अगर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, एंट्री तो हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस क्वेश्चन में कैश बुक मांग ली जाएगी ना, ये देखो जी कैश बुक बैंक कॉलम ओनली, कौन सा कॉलम ओनली, बैंक कॉलम ओनली, तो जो ये जो पहली एंट्री है ना बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, वो कैश बुक में आएगी, कहाँ आएगी, गलती से भी ना जनरल में मत लिख देना, ये गलती से भी जनरल में मत लिख देना, नंबर नहीं मिलने वाले। सर जो बैंक वाली एंट्री है ना वो जाएगी कैश बुक में, गलती से भी जनरल में मत लिख देना, अगर तुमने जनरल में लिख दी तो 0 नंबर मिलेंगे बाद में। सर मिलेंगे ही नहीं, समझ नहीं आ रहा क्यों, हाँ 0 दी देगी, मेरे को मत कहना ये बैंक टू शेयर एप्लीकेशन ये वाली एंट्री गलती से जनरल में मत लिख देना, कहाँ जाएगी कैश बुक में जाएगी। हाँ अब देखो ये जो सेकेंड एंट्री है ना, देखो समझो ये जो सेकेंड एंट्री है फर्स्ट हो जाएगी, सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, हाँ सेकेंड एंट्री फर्स्ट हो जाएगी, और वो जो बैंक वाला पोर्शन है ना वो हटाना पड़ेगा, बैंक वाला पोर्शन क्या करना पड़ेगा, हाँ ये बैंक वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा। ठीक है बैंक वाला पोर्शन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बैंक वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, बाय शेयर एप्लीकेशन यानी जो रिफंड हो रहा है वो यहाँ आ जाएगा 3000, और वो हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी मोरल स्टोरी पहली एंट्री ये बनेगी, पहली एंट्री ये बनेगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 15 टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। ठीक है जी, अब दूसरी एंट्री ये बनेगी, अब दूसरी एंट्री ये बनेगी, पहली एंट्री है दूसरी एंट्री है, फोर्थ एंट्री तीसरी बनेगी, फोर्थ एंट्री तीसरी बन जाएगी, और बैंक वाला पोर्शन हट जाएगा, बैंक वाला पोर्शन वो कहाँ जाएगा, बैंक वाला पोर्शन, हाँ बैंक वाला पोर्शन कैश में चला जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट, कितना अमाउंट है 18000। ठीक है तो चौथी एंट्री, पांचवी एंट्री, पांचवी एंट्री, पांचवी एंट्री जो है ना जो उसे बैंक हटा देना, बैंक यहाँ आ जाएगा, बैंक यहाँ आ जाएगा, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ आ जाएगा 36, बैंक यहाँ से हटा दो। उसके बाद
सेवन एंट्री हो गए, इसे ये छठी एंट्री बन जाएगी, ये छठी एंट्री बन जाएगी, ये छठी एंट्री बन जाएगी, सातवीं एंट्री बैंक वाली इधर आ जाएगी, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल यहाँ आ जाएगा, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल 6,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, छठी सातवीं आठवीं, ठीक है यहाँ सीडी कर दो, सीडी निकालना हो जो कितना है, ये कितना है 78,000 माइनस 3,000 75, समझ आ गया जो बात। ओके आ गया जो कैश, कई बार ना एक ना इसके अंदर ना कोई भी लेजर पूछ सकते हैं, कोई भी क्या पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल जनरली जो पेपर में लेजर पूछते हैं फोर फीचर का लेजर पूछते हैं, किसका लेजर पूछते हैं, फोर फीचर अकाउंट का, फोर फीचर शेयर अकाउंट का लेजर पूछ सकते हैं। तो जो लेजर पूछते हैं आप 11 से करते आ रहे हो, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, कैसे करोगे, फोर फीचर का लेजर आता है ना वो बनाना, करो भाई। देखो जो फोर फीचर देखो कहाँ कहाँ हुआ, एक तो यहाँ हुआ 1500 रुपये का, बाया शेयर कैपिटल कर दो। हाँ अगर नहीं 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 वो कैश बुक में होता है, वो सिर्फ कैश बुक में होता है, लेजर के लिए नहीं होता वो रूल। तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा, देखो फोर फीचर क्रेडिट हो रहा है 1500 रुपये से, फिर यहाँ फोर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल हो रहा है 1000 रुपये, फिर फोर फीचर शेयर डेबिट टू कैपिटल सब हो रहा है 500 रुपये। ये देखो बस हो गया मैच, इस तरह से लेजर बन जाता है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है फोर फीचर का लेजर मांगे, किसी चीज़ का भी लेजर मांग सकता है वो, लेजर पोस्टिंग तुम्हें आनी चाहिए। तो लेजर पोस्टिंग का आप 11 से सीख के आए हो, फोर फीचर क्रेडिट हो रहा है बाय शेयर कैपिटल, और यहाँ आ जाएगा अब फोर फीचर शेयर डेबिट टू कैपिटल जाओ, बस खत्म। ठीक है जा रहे हो सर, क्या टाइम हुआ एग्जैक्ट बताइए भाई जरा, क्या 5:32। एक बार काम करते हैं, जो जो इस बार का क्वेश्चन पेपर है 2023 का जो चॉइस वाला वो कर लेते हैं, 2023 वाला क्वेश्चन पेपर करेंगे। नहीं 2023 का पेपर वाला चॉइस वाला करेंगे, जो जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन आया था वो करने जा रहे हैं, 2023 का चॉइस वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखना जो 23 का बी पार्ट देख लो, हाँ जो 23 का बी पार्ट देख लीजिएगा, कर दो जो रेस, हाँ सीडी नहीं आएगा ना क्योंकि सारे रीशू कर दिए थे, सीडी कब आता अगर सारे शेयर रीशू ना किया होता तो सीडी बचता, वो बैलेंस शीट में जाता। हाँ चलो जी, देखो जी 23 देखो जो 23 का बी पार्ट देखो जी, 6 नंबर का क्वेश्चन था, करूँ शुरू भाई। देखो जो क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट, 6 नंबर का क्वेश्चन इस बार 2023 में कैसे आया था आपको पता चल जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन चॉइस में कैसे आना है। हमने शेयर इशू किए हैं जो 30,000 शेयर इशू किए हैं,
हमने 30,000 शेयर इशू किए हैं 100 रुपए के, 30,000 शेयर इशू किए हैं 100 रुपए के, 30,000 शेयर इशू किए हैं 100 रुपए के, एट अप 20% प्रीमियम, एप्लीकेशन में 40 रुपए हैं, ब्रेकअप क्या है 30 रुपए का एप्लीकेशन 10 रुपए प्रीमियम, अलॉटमेंट में कितना है 30 रुपए हैं इंक्लूडिंग 10 रुपए प्रीमियम, 20 रुपए का एप्लीकेशन 10 रुपए प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपीज है, सेकेंड फाइनल कॉल पे बैलेंस है, सेकेंड फाइनल कॉल पे बैलेंस है, टोटल 120 रुपए मांग रहे हैं, 40, 30, 70, 70, 30, 100, 20 रुपए हो जाएगा। एप्लीकेशन सी हो रही है 40,000 शेयर्स की, एप्लीकेशन सी हो रही है 40,000 शेयर्स की, प्रोवाटा अलॉटमेंट कर रहे हैं 35,000 शेयर्स को, 35,000 शेयर्स को 30,000 शेयर्स दे रहे हैं, बैलेंस को रिजेक्ट कर रहे हैं, बैलेंस को रिजेक्ट कर रहे हैं। एक्सेस एप्लीकेशन से अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो सकता है, फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट नहीं हो सकता। योगेश है जिसने अप्लाई किए थे बच्चों 700 शेयर्स, योगेश है जिसने अप्लाई किए थे 700 शेयर्स, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, फाइनल कॉल वॉज मेड देर आफ्टर एंड ऑल मनी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल वॉज रिसीव, सेकेंड फाइनल वॉज नॉट येट मेड। उसके बाद बच्चों फर्स्ट कॉल हुई, फर्स्ट कॉल सभी ने दे दी, फाइनल कॉल अभी हुई नहीं है। हाँ 6 नंबर का क्वेश्चन था सर, ये आया इस साल के दो बोर्ड में, क्या नहीं करना ये भी वैसे, हाँ वो वाला बेटर था लेकिन ये भी आसान ही लग रहा है मुझे, बस एप्लीकेशन प्रीमियम है। कल आप आए थे सर, वीडियो देख लिया आपने, क्यों आज तो आज ही भेजी थी मैंने तो वीडियो तो। हाँ जी, तो वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपने कल क्लास नहीं अटेंड की वीडियो देखी है तो मैंने वीडियो में क्या बताया था, अगर एप्लीकेशन प्रीमियम हो, कल बताया था मैंने आपको कि अगर एप्लीकेशन प्रीमियम हो तो टेबल चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है एक कॉलम और ऐड हो जाता है, एक कॉलम और ऐड हो जाता है। हाँ जी, शेयर कैपिटल, शेयर अप्लाइड, सॉरी नंबर, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, फिर क्या हो जाता है एप्लीकेशन मनी, फिर क्या आ जाता है शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट। हाँ मैंने कल बताया था अगर एप्लीकेशन प्रीमियम हो, अगर एप्लीकेशन प्रीमियम हो तो क्या आ जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता है, फिर अलॉटमेंट, फिर रिफंड। शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी में अलॉटमेंट, रिफंड। तो मैंने कल बताया था आपको कि अगर आपका एप्लीकेशन प्रीमियम हो तो एक कॉलम और बन जाता है जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या बोलते हैं। तो जो 5,000 को 0 दे रहे हैं, 35,000 को 30,000 दे रहे हैं, 40 रुपए, 50 × 40 करना कितना हो गया, 50 × 40, अब 5 × 40 कितना हो गया 2 लाख, 50 × 40 हो गया 2 लाख, सीधा रिफंड 2 लाख, ऐसी 35,000 × 40, 35,000 × 40 14 लाख, 30,000 × 30 9 लाख, 30,000 × 10 3 लाख, अलॉटमेंट में क्या जाएगा 2 लाख, तो यहाँ आ जाएगा 16 लाख, यह आ जाएगा 9 लाख, यह आ जाएगा 3 लाख, यह आ जाएगा 2 लाख और ये आ जाएगा 2 लाख। तो जो नई चीज़ यही है कि अगर एप्लीकेशन प्रीमियम हो तो एक कॉलम और बन जाता है सिक्योरिटी।